ओए मिमिक्री, मेरा पराठा कहाँ है? अल्लाह जी, इस बार तो आपको आपके उधारी चुकानी ही होगी, तभी मिमिक्री के ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा। कोई शक? उधारी? कैसे उधारी? ओए बलवंत, तुम ही बताओ ये एक पराठा कितने का है? 50 रुपये का। और पता है मुझे इस ढाबे तक आने में 40 रुपए ऑटो के और 20 रुपए बस के देने पड़ते हैं। तेरे मक्खन वाले पराठे खाकर मुझे 2 किलोमीटर वॉकिंग करनी पड़ती है, मेरी चप्पल घिस जाती है, उसके 10 रुपए अलग। तो मिमिक्री भाई, उल्टा तुम्हें मुझे 20 रुपए देने चाहिए। मुझे पता था अल्लाह जी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आएंगे, पर घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए मैं पहले से ही खोजी से ये दिलदार दवा ले आया था। इस दवा से इंसान की कंजूसी खत्म हो जाती है और वो दिलदार बन जाता है। कोई शक, यही तरीका है भल्ला से मेरे पैसे निकलवाने का। हेलो भल्ला जी, शाम के खाने के लिए चिकन ले आना। क्या चिकन? पैसे के पेड़ पर उगते हैं, पता है चिकन कितना महंगा है? दाल रोटी से ही काम चलाओ। ठीक है, आप दाल रोटी का सामान ही ले आना। हाँ। दाल रोटी? हम दाल रोटी क्यों खाएंगे? मैं चिकन लेकर आता हूँ, पनीर लेकर आता हूँ, एक्सोटिक वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। ओए मिमिक्री सुन, आज ढाबे पर सबका खाना मेरी तरफ से। ओए पल्ला जी, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ओए बलवंत, पैसे तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं, अरे असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये रहे बिल के पैसे, ये तुम्हारी उधारी के, और ये रखो 1000 रुपए टिप के। वे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने भल्ला अंकल को बटवे से पहली बार इतने पैसे निकालते हुए देखा है। मेरा काम तो हो गया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। आज तक पराठे खाकर लोगों को दिलदार बनते हुए नहीं देखा है। सच सच बताइए, आपने क्या किया है मिमिक्री अंकल? अब तुमसे क्या छुपाना भतीजे, मैंने पराठों में खोजी की स्पेशल दिलदार दवा मिला दी, जो बड़े बड़े कंजूसों को भी दिलदार बना देती है। कोई शक? रोज़े, सुना तुमने भल्ला दिलदार बन गया है, और उसकी दिलदारी का फायदा भी हम होशियारी से उठाएंगे। हिटके वे भतीजे, अगर पल्ला जी ऐसे ही दिलदार बने रहे तो अपना सारा रुपया पैसा गलत लोगों के हाथों में दे देंगे। हमें कुछ करना होगा। हमें भल्ला अंकल को फिर से कंजूस, मेरा मतलब नॉर्मल बनाना होगा। मैं खोजी अंकल से एंटीडोट लेकर आता हूँ, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप भल्ला अंकल को ऑफिस के बाहर मत जाने देना, और किसी को भल्ला अंकल से मिलने भी मत देना, ताकि कोई इनकी दिलदारी का फायदा ना उठाए। ओ नहीं नहीं जी, ओ पल्ला जी बिजी है, आप बाद में आना। हाँ, ये तो बड़ी दुख की बात है, और मैं तो A1 डिटेक्टिव एजेंसी को एक केस देने आया था, पर लगता है अब मुझे Z+ डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाना होगा। हाँ। Z+? रुकिए रुकिए, केस के लिए तो आप उनसे मिल सकते हैं जी। ओए भल्ला यार, ये गोल्डन ट्रॉफी कितनी सुंदर है। ओए काश मेरे पास भी ऐसे गोल्डन ट्रॉफी होती यार। तुम्हें पसंद आई तो तुम इसे रख लो। और आपका ये नया इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, ओए मैं कितने दिनों से ये फोन खरीदना चाहता था यार, पर क्या, तुम्हें ये फोन पसंद आया तो इसे भी रख लो। पल्ला जी, आप ये क्या कर रहे हो? बलवंत, अगर मेरी दिलदारी के बीच आए तो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी डबल कर दूंगा। डबल? आपकी घड़ी, आपकी सोने की चैन, आपके लॉकर में कितना पैसा होगा यार? तुम्हें पसंद है, तुम ले जाओ,
जाओ जाओ। ओए भतीजे, ओए कोई आदमी आया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पल्ला जी से सब कुछ ले गया। इससे पहले कि पल्ला जी इस ऑफिस को भी दान में दे दे, उन्हें ये एंटीडोट पिला देते हैं। नहीं 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 चाचू, अभी नहीं। अगर भल्ला अंकल फिर से कंजूस हो गए और उन्होंने देखा कि उनका ऑफिस खाली पड़ा है तो वो हमारा सिर खा जाएंगे। आइए मैं आपको उठाता हूँ। ये क्या हो गया? मेरे तिजोरी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? ये सब आपने ही दिलदारी में बांटे हैं पल्ला जी। क्या मैं ऐसा क्यों करूँगा? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं बलवंत? मुझे सब वापस चाहिए अभी के अभी, वरना तुम्हारी 2 साल की सैलरी कट। कंजूस भल्ला अंकल वापस आ गए पर गलत वक्त पर। अच्छा ये तो बताइए, क्या क्या सामान चोरी हुआ? मेरी गोल्डन ट्रॉफी, सोने की चेन, मोबाइल फोन। फोन भी चोरी हुआ है? अच्छा हुआ, अब हम जीपीएस से उस चोर की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। रुको, हम बंदूकनी जी को भी बुलाते हैं। हेलो बंदूकनी जी। ओह ये तो जुगावर है। बंदूकनी जी जुगावर ऐसे नहीं मानेगा, पर एक तरीका है जिससे वो खुद भल्ला अंकल की हर चीज हमें वापस कर देगा अपने हाथों से। वो कैसे भतीजे? आइडिया, जुगावर को खोजी अंकल की स्पेशल दिलदार दवा पिलानी होगी, वही केमिकल जिससे भल्ला अंकल दिलदार बने थे। वाह क्या दिमाग लगाया है भतीजे। ओए जुगावर चल भल्ला जी की चीजें वापस कर। क्या? कौन सी चीज? तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं। ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। जुगावर अंकल मैं रेस नहीं जीत पाया, अब अगर मुझे वो फर्स्ट प्राइज वाली गोल्डन ट्रॉफी मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। दिल छोटा मत करो बेटा, क्या ये लो गोल्डन ट्रॉफी, तुम्हें चाहिए तुम इसे रख लो। काश मेरे पास भी फोन होता, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। युकी, जुगावर ये क्या कर रहे हो, तुम दिलदार कैसे बन गए? ये लोग तुम्हारी दिलदारी का फायदा उठा रहे हैं। क्या अपना पैसा ऐसे ही सब में बांट दोगे? पैसा तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं, असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये जुगावर तो सारी राज खोल कर रहेगा। और टाइम क्या हुआ है भाई साहब? काश मेरे पास एक कड़ी होती। ये लो, मेरी सोने की चेन गिर गई, मेरा गला कितना सूना हो गया है। ओ बलवंत ये बता मुझे क्या हो गया था? ओ पल्ला जी, आप पहले ये सल्यूशन पीकर दिलदार बने और फिर ये सल्यूशन पीकर कंजूस, मेरा मतलब है नॉर्मल बन गए। रोज़े, मेरी चुराई हुई चीजें कहाँ गए? तुम्ही ने दिलदारी में बांटी है। ये मैंने क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे? मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालूं? आओ निकाल निकाल जल्दी निकाल। उस जीप में मेरी ट्रॉफी, फोन, चेन सब कुछ पड़ा हुआ था, फिर से चोरी हो गया। ओ भतीजे प्लीज कुछ कर। आ
हाँ भतीजे, जोगावर खुद आकर पुलिस की जीप में बैठ गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।